हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। उन सारे लेक्चर्स के साथ दोस्ती कर लीजिए, रूबरू हो जाइए, ताकि हम इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन को डील करने के लिए दो क्वांटिटी लेते हैं हम लोग, क्या क्या लेते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत ही मस्त तरीके से फील्ड के साथ उसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखेंगे। और रिलेशन देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस वर्क डन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड, है ना, कुछ मैकेनिक्स के साथ, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को इसके साथ हम लोग क्या करेंगे जी, कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया रहेगा तो वी निकालेंगे, या फिर वी दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सारे चीज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे। कितने तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं ग्राफ पे, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, आईआईटी क्वेश्चंस, आईओए क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। और उन सारे क्वेश्चंस से अपना कॉन्सेप्ट जो होगा क्रिस्टल क्लियर होगा। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट, विद फुल ऑफ एनर्जी, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें, इस लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स की तरफ लेके चलूंगा, हालांकि उसी पे ये बेस्ड लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा, जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी लिखते हैं, है ना, या फिर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डी डब्ल्यू, और ये कंजर्वेटिव वाला होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे। तो देखिए, बात ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी का केस कब आता है, जब भी हम लोग वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो उस टाइम क्या होता है, अपना एनर्जी जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, मतलब वर्क करने मतलब क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर करना, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब तुम वर्क कर रहे हो, मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, और वो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है जी, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो जो एनर्जी होगा उसमें स्टोर होता है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड होता है और स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी तो स्टोर कब होगा, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं वर्क, तो एनर्जी स्टोर होगा, नहीं होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो स्टोर्ड एनर्जी होगा तभी तो क्या होगा, उस स्टोर एनर्जी को, जैसा मैंने बोला कि स्टोर एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी स्टोर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का केस आएगा, ठीक है ना। मतलब कि जब भी आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके चैप्टर्स में कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होगा, उस टाइम हम लोग को क्वेश्चन अराइज करना होगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी विल बी स्टोर्ड, राइट। तो जैसा कि इसके पहले आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, है ना। और क्या पढ़ा है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है क्या, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं और स्प्रिंग फोर्स पढ़े हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग अपना मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं। तो देखो, यहां पे अगर हम लोग डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी एस करते हैं, दिस इज व्हाट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सिंपल सी बात है, ये तो वर्क डन है, नहीं यहां पे ऐसा लिखो डी यू लिखो, ठीक है। तो डी यू इज व्हाट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव लगा, यही वाला रिलेशन आया, ठीक है ना। अब मैंने जब पोटेंशियल एनर्जी लिखा है तो अंडरस्टूड है कि एफ कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा, अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है तो, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर आप लिमिट देते हो ना, यहाँ पे लिमिट देते हो, रेफरेंस से प्रेजेंट देते हो,
रेफरेंस है प्रेजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आता है ना, ये जो बन जाता है, ये चेंज नहीं बन के क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, क्योंकि रेफरेंस से प्रेजेंट ले रहे हैं और रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं हम लोग, जीरो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और यही अगर f डॉट डी एस लिख रहे हो, f डॉट डी एस लिखते हो, और यहाँ पे यहाँ पे आप ऐसा करो, पोजीशन वन और यहाँ पे पोजीशन टू, तो यहाँ पे जो बनता है ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस एफ डॉट डी एस को इंटीग्रेट करो एंड यू आर टेकिंग द लिमिट फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट, सो दिस इक्वेशन विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या देगा जी, पोटेंशियल एनर्जी देगा, ठीक है ना। और अगर तुम इसी इंटीग्रेशन को, माइनस यहाँ पे है, इसी इंटीग्रेशन को पोजिशन वन टू पोजिशन टू करोगे तो क्या देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये देगा, ठीक है। हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पोजिशन, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेफरेंस पोजिशन, इट डिपेंड्स ऑन पोजिशन वन एंड पोजिशन टू, क्लियर। जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं तो एक रेफरेंस लेते हैं, जैसा कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइंड करा था, तो उसमें रेफरेंस पोजीशन क्या होता है जी, नेचुरल लेंथ होता है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका जीरो होता है। जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, उसका रेफरेंस बोलते हैं, या फिर कहते हैं जहां हम रेफरेंस मानते हैं उस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि पोजीशन वन से पोजीशन टू ले जाने में कितना वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, कितना वर्क कर रहे हो, क्या कहलाएगा जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा मैकेनिक्स का। देखो, हमने बोला कि जब भी वर्क करते हैं तो वर्क क्या होता है, स्टोर होता है। वर्क हम जब भी करते हैं तो वर्क क्या होता है जी, स्टोर होता है। तो वर्क हम कर रहे हैं ना, मतलब वर्क डन बाई वॉट, एक्सटर्नल फोर्स, और यही स्टोर्ड वर्क मतलब W एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो W एक्सटर्नल मतलब क्या, आपने एनर्जी इतना ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर्ड एनर्जी मतलब मान लो हम वर्क कर रहे हैं तो 10 जूल एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। अगर हमने वर्क किया तो 10 जूल एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई। इसका मतलब हमने वर्क कितना किया जी, 10 जूल का किया, और तो 10 जूल जो ट्रांसफर हुआ है वही तो स्टोर्ड एनर्जी है ना, तो वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल जितना वर्क होता है ना वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो मैं बोल देता हूं इसको कि दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, और हम जितना वर्क करते हैं अगेंस्ट वाला फोर्स भी हम पे वर्क करता है नेगेटिव साइन के साथ। अगर मान लो इसको मैंने ऊपर उठाया, ठीक है ना, अगर मान लो ये 1 kg का है और 1 meter ऊपर उठाया, स्लोली ऊपर उठाया, तो कितना वर्क किया, mg into h। हमने हमेशा क्या फोर्स लगाया जी, mg फोर्स, क्योंकि इस पे नीचे में फोर्स क्या लग रहा है, mg। 1 kg का लिया तो नीचे में कितना लग रहा है, 10 newton लग रहा है। तो मैं धीरे 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 उसको उठा रहा हूँ, इसका मतलब नेट फोर्स इस पर हमेशा जीरो है। इसका मतलब नीचे की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए स्लोली ऊपर जा रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, राइट। तो 10 newton मैंने फोर्स लगाया और 1 meter ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया, तो 10 × 1 इज हाउ मच, 10 joule। तो हमने एक्सटर्नल वर्क कितना किया, 10 joule वर्क किया, ठीक है ना। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया जी, -10 joule, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, -10 joule, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज -10 joule, और इसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई करने को तो क्या आ जाएगा, +10 joule आ जाएगा। और हमने 10 joule वर्क किया तो उसके पोटेंशियल जो कितनी है, +10 joule है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे वर्क डन एक्सटर्नल और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में तो यही रिलेशन होता है ना। हम जितना वर्क करते हैं अगेंस्ट वाला फोर्स हम पे उतना ही वर्क करता है नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए ऐसा है। तो वर्क डन एक्सटर्नल की जगह ये मैंने रख दिया, कौन सी बड़ी बात कर दिया, ठीक है ना। तो जब भी हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे ना, हम लोग वर्क करेंगे एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल वर्क करेंगे, और वो जितना वर्क डन का वैल्यू होगा ना वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये आ गया समझ में और ये आता है पहले से भी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना छोटी सी बात है, ठीक है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को रिलेट करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा निकालते हैं, कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक क्यू नोट चार्ज है, यहाँ से कितने पे जी, R1 दूरी पर है, ठीक है। और इस क्यू नोट चार्ज को इस पॉइंट पे मैं लेके आना चाहता हूँ R2 दूरी पे यहाँ से, ठीक है ना। ये जो दूरी है यहाँ इस चार्ज से R2 है, और ये जो क्यू नोट था पहले से यहाँ से R1 दूरी पे था, ठीक है। तो मेरे को निकालना है कि वर्क डन
वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग आर वन टू आर टू, ये बताना है। तो देखो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे ना, तो इधर लेके आएंगे और स्लोली लेके आना है, ठीक है ना, स्लोली लेके आना है, ठीक है। तो स्लोली लेके आने का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए, और मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग स्लोली लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो स्लोली लेके जाने का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ जितना फोर्स लग रहा हो उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मान लो अगर इस पोजीशन पे चार्ज में लेके आया, तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है, तो तुम्हें तो फोर्स क्या लगाना है, इधर की तरफ लगाना है एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हमें ये निकालना था। तो ऐसा करते हैं ना, एफ इलेक्ट्रिक निकाल लेते हैं और उसको एफ एक्सटर्नल के इक्वल कर देंगे। तो एक्चुअली क्या है कि वर्क डन निकालने के लिए ना हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस होता है और एफ डॉट डी एस भी होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन वाला। ये तब यूज करते हैं जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स क्या है जी, वेरिएबल है। जैसे जैसे जा रहे हैं तो चार्ज की दूरी क्या आ रही है, घट रही है, और फोर्स तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा के क्यू क्यू नॉट बाई, यहाँ से कितने दूरी पे ले लूँ मैं, आर पे ले लो, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इज द फोर्स। तो अब अगर हमें वर्क डन बताना है तो वर्क डन कितना होगा, एफ एक्सटर्नल भी इतना ही लगेगा, तो मैं लिखूंगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। याद रखना ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लिख रहा हूँ, और ये किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी मैं इधर की तरफ दे रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या दूंगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा डी आर, ठीक है। तो फोर्स भी इधर और डी आर भी इधर, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, जीरो हुआ, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो गया, इसलिए मैंने ऐसा छोड़ दिया, ओके। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा है, ठीक है ना, और बहुत ही मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस मेथड से नहीं निकाल पाते पोटेंशियल, चाहे पोटेंशियल एनर्जी। देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इसमें हमने क्या किया ना, डी आर डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब यहाँ पे चार्ज था यहाँ से इधर की तरफ लेके आए, डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट किए। तो मान लो ये जो पोजीशन है इस चार्ज से, ये जो पोजीशन है जो भी डिस्टेंस होगा, और ये जो पोजीशन है इस चार्ज से जो भी डिस्टेंस होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से, यहाँ से डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, है ना। तो फाइनल देखो हम लोग डी आर क्या लिखते हैं, डी आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है ना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखते हैं। तो तुम्हें दिखेगा कि dr क्या है, वहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस तो यहाँ पे, इनिशियल डिस्टेंस तो यहाँ पे, तो फाइनल वाला कम है और इनिशियल वाला ज़्यादा है, है ना। तो ज़्यादा फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, मतलब कम में से ज़्यादा को माइनस कर रहे हो, तो नेगेटिव होगा डेफिनेटली। यहाँ पे dr क्या है जी, नेगेटिव है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे एक और माइनस देना पड़ेगा, मेरी बात समझ ना। ये मत बोलना कि सर आपने माइनस क्यों लिखा, कॉस जीरो है, तो मैंने कॉस जीरो ही लिखा, बस डी आर जो है ना, इस बार हमेशा एक्चुअली हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, कि डी आर को इनिशियल से फाइनल लेके जाते हैं और ऑलवेज डिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उधर से इधर लेके आ रहे हैं, देख रहे हो ना, ठीक है। तो हमने डी आर किया, ओके। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, आर वन से आर टू लेके जा रहे हैं, आर वन से आर टू लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन जो होगा कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी, माइनस 1 बाई आर होगा, तो माइनस 1 बाई आर होगा, और यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा 1 बाई आर हो गया, ओके। तो आर वन टू आर टू, ओके। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग के क्यू क्यू नॉट 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन, दिस इज वॉट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि Q1 अब Q2 क्या है, इसके बीच का दूरी क्या है जी, अब R2 हो चुका है, ठीक है। पहले कहाँ था, R1 पे था, इस पॉइंट पे था, Q1 नहीं, यहाँ पे हम लोग Q Q0 यूज किए हैं, तो Q Q0 ही रखो, ठीक है। तो R1 से हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, मतलब हमारा सिस्टम ये वाला हो चुका है, ठीक है ना। तो इस दौरान जो वर्क डन हम लोग किए हैं, इतना किए हैं वर्क डन एक्सटर्नल जो हुआ है, कितना हुआ जी, तो के क्यू क्यू नॉट 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन हुआ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा, हमें पता है कि वर्क डन एक्सटर्नल जो होता है, ठीक है, वर्क डन एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है।
मतलब हमने इसको ऐसे किया तो एनर्जी ट्रांसफ़र किया, और ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने बढ़ा दिया, मतलब एनर्जी हमने इसको दे दिया, हमने एनर्जी इसको क्या किया, दे दिया। ठीक है, तो दे दिया अगर, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल ही तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, के क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट बाई वन बाई आर टू बाई वन बाई आर वन, इतना हुआ। दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, पता चला कैसे कॉन्सेप्ट निकाला हमने। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज दिस वन, ठीक है ना। अगर पोजिशन वन से पोजिशन टू लेके जाते हैं, तो पोजिशन वन से पोजिशन टू लेके गए हैं तो क्या निकला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला है। वही अगर हम लोग रेफरेंस से प्रेजेंट पोजिशन पर लेके जाते हैं, मतलब ये तो कोई पोजीशन था R1, अगर मान लो हम कहीं रेफरेंस से लेके जाते हैं किसी पोजीशन पे, जैसे कि हमने आपको मैकेनिक्स में जो अपने कॉन्सेप्ट दिया था कि रेफरेंस टू प्रेजेंट लेके जाने से पोटेंशियल एनर्जी मिलता है और पोजीशन वन से पोजीशन टू लेके जाने पे चेंज मिलता है। तो इसमें हमने क्या किया, पोजीशन वन से पोजीशन टू लेके गए हैं, लेकिन अगर वही इसमें एक पोजीशन रेफरेंस ले लें, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा जी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि इफ़ R1 इज रेफरेंस, ठीक है ना, और रेफरेंस को ले लिया इन्फिनिटी पे, और R2 को क्या बोल दिया, R, मतलब रेफरेंस से कहाँ पे लेके आए हैं, R पे लेके आए हैं, देन इट विल बी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा जी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/R-1/∞। सो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन से के क्यू क्यू नॉट बाई क्या, R, ठीक है, दिस इज वॉट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। मतलब इस क्यू नॉट को कहाँ से लेके आए हैं जी, इन्फिनिटी से लेके आए हैं, यहाँ पे रखे तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो होगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर होगा, व्हेन यू विल ब्रिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर पोजिशन। ये वाला वर्क डन था जब हमने क्यू नॉट को लेके आए थे R1 से R2 लेके आए थे, आई बस समझे ना, ऐसा हमने बोला इसमें। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या कर देंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर देंगे फटाक से, लिखते चलो साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर कह सकते हैं 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम, ठीक है ना, फ्रॉम रेफरेंस, है ना, चाहे बोल दो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हम लोग इसमें क्या लेते हैं जी, रेफरेंस कहाँ पे, इन्फिनिटी पे लेते हैं हम लोग, वहाँ पे रेफरेंस लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसका उल्टा भी कहते हैं, जिधर रेफरेंस लेते हैं वहाँ पर पोटेंशियल क्या मानना पड़ता है, हम लोग को 0 मानना पड़ता है। इसमें भी अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, है ना, लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम व्हेन रेफरेंस विल बी वेयर रेफरेंस इज एट इन्फिनिटी, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का तभी जब रेफरेंस कहाँ पे होता है, हम लोग इन्फिनिटी पे लेते हैं, इन्फिनिटी पे इसलिए लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का आसान सा दिखेगी, ठीक है ना, रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट, ओके। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, अब किस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो उस पॉइंट पर लेके आना है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि क्यू चार्ज आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है, और वो क्रिएट करता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वही तो हम लोग निकालने जा रहे हैं कि ये होता है, इसको डिनोट करते हैं वी से। तो जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मतलब वी क्या वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बोला गया कि वी इज वर्क डन बाई एजेंट, है ना, एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 कूलम
चार्ज वन कूलम है ना फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। अब हम लोगों को अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इसने बोला है कि आप ऐसा करो इन्फिनिटी से इधर की तरफ वन कूलम चार्ज को लेके आओ और इस पॉइंट पे रखो और जो आप वर्क करोगे वही क्या होगा पोटेंशियल होगा। जो आप वर्क करोगे वही क्या होगा पोटेंशियल होगा। तो अभी हमने निकाला था चलो कर लो। अगर यहाँ पे वन कूलम चार्ज रखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे वर्क अगर हमें निकालना है तो वर्क क्या लिख सकते हैं के क्यू वन कूलम लिखेंगे तो इतना ही हो गया बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर ठीक है। और यहाँ पे देख लो हम लोग अगर इधर ही लेके आ रहे हैं तो डी आर वेक्टर क्या होगा नेगेटिव होगा इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा और इंटीग्रेशन यहाँ पे इन्फिनिटी टू क्या कर दिया जी आर पोजीशन। हम लोग कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से आर पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू माइनस वन बाई आर माइनस वन बाई आर माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैं लिख दूंगा वन बाई आर इन्फिनिटी से आर ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू इज के क्यू ऐसा लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं डब्ल्यू विल बी के क्यू वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी ओके एंड दैट विल बी वर्क डन क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा। दिस इज व्हाट वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज है ना फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। अच्छा अगर हमने वर्क किया तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी भी है दिस इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब तुम लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो और चूंकि हम लोग रेफरेंस से लेके आ रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के जगह अगर आप पोटेंशियल एनर्जी भी सिंपली कहते हो तो भी क्या होगा आंसर सही होगा ठीक है ना। तो हमने बोला कि यही क्या होता है वी होता है वी इज के क्यू बाई आर ठीक है ना यही क्या होता है जी वी होता है। वी को क्या बोला गया कि वन कूलम को चार्ज को लेके आने में आपने कितना वर्क किया है वही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अच्छा इसी वी को हम ऐसा कहते क्या देखो यहाँ पे जब क्यू नॉट था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था के क्यू क्यू नॉट बाई आर आया था। यहाँ पे जब वन कूलम चार्ज है यहाँ पे क्या आ गया जी यहाँ पे तो वन कूलम चार्ज लेके आ गया ना तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया के क्यू इंटू वन बाई आर ऐसा कहते क्या कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज। जब हम लोग वन कूलम के चार्ज लेके आए हैं इसको भी तो हम लोग कह सकते हैं ना दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज ठीक है ना। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज बोलो या फिर इसको ऐसे बोल दो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आई बात समझ ना। तो देखो हम लोग चाहे तो यहाँ भी हम लोग पोटेंशियल डिफाइन कर सकते थे ठीक है ना अगर हमें ये वाला पता रहता बात तो अगर हमें पता रहता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर ये भी तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। अरे पर यूनिट चार्ज बोलो या फिर वन कूलम चार्ज को लेके आने के लिए बोलो ये भी तो कह सकते हैं ना वर्क डन टू ब्रिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट दैट विल बी व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता रहता तो यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिवाइड कर देते सिर्फ हम लोग क्या करते हैं इसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हम बोलते कि दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए इतना वर्क हुआ है तो वन कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क होगा तो भाई साहब हम यूनिटरी मीटर लगा देते ठीक है ना। यहाँ पे चिपका दो इसको देखो यहाँ पे चिपका देता हूँ क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन हुआ है के क्यू क्यू नॉट बाई आर हुआ है तो वन कूलम को चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं ये कैंसिल हो गया तो वर्क डन आ गया यहाँ पे के क्यू बाई आर आ गया। अरे तो घुमा फिरा कर तो वही देख रहे हैं हम लोग ठीक है ना इसमें नया कुछ भी हमने नहीं किया है। इसमें हमने आपको क्या बताया जो हमने मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट अब हम लोग क्या है ना प्रॉपर मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं हम लोग प्रॉपर मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि वर्क डन वन कूलम में जितना होगा वही क्या होगा किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा है ना। तो किसी पॉइंट अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ जाओ वो क्या निकल जाएगा पोटेंशियल निकल जाएगा ठीक है। आप इसको लिखिए फिर और इसको अच्छे से एलेबोरेट करते बढ़िया से। तो देखो हमने पढ़ा कि पोटेंशियल इज वर्क डन बाई चार्ज दिस इज व्हाट एक्सटर्नल वर्क डन ठीक है ना। या फिर हमने ये भी पढ़ा कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज भाई साहब घुमा फिरा के वही टाइम पास है इसमें तो ठीक है। अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ा था हमने ठीक है वो क्या था बताओ तो वो था के क्यू क्यू नॉट वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन था ओके। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इट इज व्हाट के क्यू क्यू नॉट वन बाई आर टू ऐसे लिखो के क्यू नॉट
आर टू है ना बाई के क्यू क्यू नॉट बाई आर वन। ओके, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को अगर लिखूँ तो ये हो सकता है के क्यू क्यू नॉट बाई आर वन, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू क्यू नॉट बाई आर टू लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो अभी हमने इसमें नया कुछ भी नहीं बताया। जैसा कि हम जानते हैं वी इज यू बाई क्यू, तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्यू ही लिख सकते हैं? अब यहाँ पे एक मस्त रिलेशन आया, हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जिसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिलता है कि नहीं? पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जिसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है जी? पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था ना कि एफ इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? क्यू ई पढ़ा था, तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्वांटिटी है जिसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। सिंपल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्वांटिटी जिसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स मिलता है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। ठीक है, अच्छा तो अगर ये Q चार्ज है और ये वाला Q नॉट है पोजीशन वन, और यहाँ भी Q नॉट चार्ज रखा हुआ है पोजीशन टू है, यहाँ से इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो पोजीशन वन पे हम V1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से ये वाला दूरी कितना है? R1 है, और ये वाला दूरी R2 है। ठीक है, तो V1 लिख सकते हैं कितना? K Q बाई R1। देखना ये चार्ज नहीं आएगा कि हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं इस पॉइंट का। ठीक है ना, मैंने बोल दिया पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या होगा? V2 होगा, और यहाँ V2 लिख सकते हैं के क्यू बाई आर टू लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अगर हम इसका बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन वन लिख सकते हैं Q नॉट इंटू वॉट V1, तो हम कह सकते हैं कितना कह सकते हैं जब लोग, तो जो भी है के क्यू क्यू नॉट बाई आर वन कह सकते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन टू लिख सकते हैं यू टू एज क्यू वी टू, सो इट विल बी के क्यू क्यू नॉट बाई वॉट आर टू। ठीक है, अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले तो डेल्टा यू, बोले तो कितना? यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या लिखेंगे? यू टू माइनस यू वन लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके गए ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। हम लोग पहले से यही कर रहे हैं कि इधर से इधर लेके गए थे। ठीक है ना, अभी मैं बता दूंगा कि ऐसा कैसे क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कितना, के क्यू क्यू नॉट बाई आर टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर वन हो जाएगा। मैंने यू वन का और यू टू का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज डेल्टा यू एंड डेल्टा यू इज क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी भी तो लिख सकते हैं। देखो क्यू नॉट बाहर कर लो तो के क्यू बाई आर टू माइनस के क्यू बाई आर वन, दिस विल के क्यू बाई आर टू विल वी टू माइनस वी वन। तो मैं कह सकता हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज है ना इंटू, किसी भी चार्ज का अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो डेल्टा वी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आ जाएगा जी? तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी कह सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो वर्क डन एक्सटर्नल को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन। ठीक है ना, क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन भी कह सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर किसी भी चार्ज को पोजिशन वन से पोजिशन टू लेके जाते हो, पोजिशन वन से पोजिशन टू लेके जाते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो क्यू इंटू पोजिशन टू का पोटेंशियल माइनस पोजिशन वन का पोटेंशियल। ठीक है ना, अब देखो ये क्वांटिटी जो होगी ना पॉजिटिव क्वांटिटी होगी डेफिनेटली। अगर हम लोग इधर की तरफ लेके जा रहे हैं तो इधर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमने तो फोर्स लगाया ना, और हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट दिया तो हमने तो डेफिनेटली पॉजिटिव वर्क किया है। देखो यहाँ भी पॉजिटिव वर्क आएगा। ठीक है, देखो यही है ना वर्क डन, तो डेल्टा यू तो यही है, यही तो वर्क डन है ना, पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। देखो आर टू क्या है, आर टू यहाँ पे क्या है, आर टू तो क्या है, छोटा है ना आर वन से। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये क्वांटिटी कम होगी। ठीक है ना, हम लोग कहते हैं कि चार्ज के नज़दीक में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। जैसा कि हमने बोला V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, दिस इंप्लाइज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता है चार्ज से दूर जाने पर, वैसे हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल का भी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सारी के सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने बोला देखो ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है, वी इज यू बाई क्यू। मैं एक बात ये है कि कुल मिला के एक ही बात मैंने बोला है कि नहीं, वर्क डन एक्सटर्नल क्यू इंटू वी, बस।
अगर चेंज निकाला था क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है, तो वर्क डन एक्सटर्नल ये यहाँ से आ गया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो सिंपली हम लोग ये सब अब इनसे मिला के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, कि चेंज इन वर्क डन कितना होगा, किसी पोजीशन पे किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना, पोटेंशियल लिखना है तो वो कैसे निकालेंगे। देखो पोटेंशियल अगर लिखना है आपको, मान लो कि यहाँ पे अगर कोई क्यू चार्ज है और यहाँ भी कोई क्यू चार्ज है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल लिखना है, इस पोजीशन पे इन दोनों का पोटेंशियल लिखना है, ठीक है ना। तो मान लो ये R1 दूरी पे है, ये R2 दूरी पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल लिखना, तो ये वाला कितना देगा, तो के क्यू बाई R1 देगा, ये कितना देगा यहाँ पे, तो के क्यू बाई R2 देगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। देखा, इसमें ऐड करने के लिए हमने कुछ भी दिमाग लगाया क्या, नहीं लगाया, क्यों भाई साहब, ये स्केलर है, ये तो स्केलर है, इस पॉइंट पे अगर मान लो R1 R2 सेम लिया तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा अगर R1 R2 को सेम ले लेते हो, चाहे कुछ भी ले लो तो, क्योंकि इसको क्या करना है, स्केलर की तरह ऐड करना है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो ऑलवेज क्या होगा जी, पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कि इसको स्केलर की तरह सिंपली हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं किसी पोजीशन पे, अगर मान लो कोई भी चार्ज है, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे क्यू चार्ज है, देखो ऐसे ऐसे देखो, लिख लो इसको, लिख लो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल लिखना होगा, तो सबका सब क्या देंगे, बराबर ही देंगे, क्योंकि हमने क्या लिया, सारे का पॉजिटिव चार्ज लिया है, सारे के सारे क्या लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, साइड लेंथ ए है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही का निकाल लूँगा, के क्यू बाई ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका ही निकाल लो, तो के क्यू बाई ए बाई रूट टू होगा, ठीक है, इसने इतना दिया, इसने भी उतना दिया, उसने भी उतना देगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना, सिंपल स्केलर की तरह ऐड करना भाई साहब, ठीक है, स्केलर की तरह ऐड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते तो जीरो आता, ये क्यू चार्ज इधर देता इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर देके कैंसिल करता, और ये इधर देता और ये वाला इधर देता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो होगा, या फिर पोटेंशियल अगर नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इफ V कुछ जीरो दिस इम्प्लाइज E इज जीरो, ठीक है ना, ये भी गलत होगा, इफ E कुछ टू जीरो, ठीक है, दिस इम्प्लाइज V इज जीरो, ये भी कहना गलत होगा। देखो और एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, इसको मिटा दो, चलो इसको मिटाता हूँ, ये लिख लिया हो गए। अगर मान लो यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, ठीक है ना, अब इस पोजिशन पर आप ऐसा करो, पोटेंशियल बताओ, दिस इज R बाई टू, दिस इज R बाई टू, ठीक है, तो के क्यू बाई ये वाला इस पर कितना देगा, के क्यू बाई R बाई टू, और ये कितना देगा जी, के क्यू बाई R बाई टू, लेकिन ये चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है, इसको प्लस करोगे, V निकालोगे तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे V कितना आ गया जी, जीरो आ गया, कैसे जीरो आया, तो मैंने इसका निकाला और ऐड कर दिया स्केलर की तरह, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल देगा, स्केलर की तरह इसको ऐड करना हम लोग को, ठीक है, ठीक है, तो हमने V निकाला, जीरो आया, ओके, तो मैंने बोला कि V जीरो है तो क्या E जीरो होगा, वही चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये जो होगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ प्रोवाइड करेगा और ये वाला इधर की तरफ देगा, दोनों इधर ही दिए ना, तो यहाँ पे E नेट क्या है जी, नॉन जीरो है, ठीक है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट कहना क्या होगा, गलत होगा, ऐसा नहीं कह सकते V जीरो तो E जीरो होगा, या फिर इसका उल्टा भी नहीं कह सकते, E जीरो है तो V जीरो है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर की तरह ऐड करना होता है, डिस्टेंस के साथ क्या होता है जी, डिक्रीज करता है, जैसा कि मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है, और किस पे डिपेंड करता है, तो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, देख लो के क्यू बाई आर होता है, तो के मीडियम, सोर्स चार्ज और डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलो और नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग नया क्वांटिटी एक वी पढ़े, तो जब भी नया क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं तो तीन चीज़ें उसका पढ़ना पड़ता है, यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा और नेचर क्या होगा, ठीक है। तो वी का यूनिट क्या होता है जी,
तो वी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी बाई चार्ज है ना, तो कह सकते हैं क्या, जूल पर कूलम कह सकते हैं, या फिर बोलते हैं वन वोल्ट। ठीक है, डायमेंशन का बात करते हैं। तो डायमेंशन का बात करने के लिए हम लोगों को वी निकालना पड़ेगा, तो वी निकाल लो। एनर्जी बाई चार्ज है ना, तो एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और चार्ज का क्या होगा, आई टी होगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। ठीक है, तो आप लिख दो, आई माइनस वन। और नेचर, नेचर इसका कैसा है जी, अच्छा है कि खराब है? अच्छा खराब वाला नेचर नहीं, मतलब ये स्केलर है कि क्या है, वेक्टर है। तो देखो, तो स्केलर के साथ आया ना, पोटेंशियल एनर्जी के साथ आया ना, इसके पास कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक तो वर्कडन है ना, दिस इज वर्कडन ना, वर्कडन टू ब्रिंग वन कूलम ना। ठीक है, तो वर्कडन है तो क्या, वर्कडन तो स्केलर होता है, तो ये भी स्केलर है, सिंपल सी बात है। समझ में आया बात? ई और वी हमारे पास क्वांटिटी आया इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें ई आया वेक्टर क्वांटिटी और वी आया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो देखिए, अगर यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है, ठीक है, और यहाँ पे Q2 चार्ज रखा है, इसके बीच का दूरी R है, मैंने बोला कि इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखो, किसी भी चीज़ का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग को निकालना है, कुछ अलग तरीके से फील लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब ये हुआ कि स्टोर्ड एनर्जी कितनी है उसमें। तो स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? स्टोर्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम कितना वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे तो एनर्जी क्या हो रहा है उसमें, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो उस सिस्टम को बनाने में हमने कितना वर्क किया, मतलब कितना उसमें एनर्जी दिया, जितना एनर्जी दिया होगा वही स्टोर्ड किया होगा, एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को बनाने में कितने पैसे लगे, पैसा इज व्हाट, एनर्जी। ठीक है ना, तो किसी चीज़ को बनाने में कितने पैसे लगे वही क्या होगा उसके, वो जो स्टोर करके रखा उतना एनर्जी, स्टोर किया हुआ पैसा। ठीक है ना, तो क्या बताना है कि इसको बनाने में कितना एनर्जी लगेगा, ये कह सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है। तो इसकी एनर्जी उतनी होगी जितना हमने एनर्जी दिया होगा बनाने में। ठीक है ना, अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे और तब एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, देखो, तो मान लो कि ये स्पेस है और ये स्पेस पूरा का पूरा खाली है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई Q1 चार्ज मूव कराओगे तो आपको कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्री है स्पेस, किस इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, हमने माना ऐसा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा चार्ज लेके आओगे, दूसरा चार्ज यहाँ पर रखोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पेस में आपने एक चार्ज रख दिया है, तो अब इसमें चार्ज रख दिया है तो चारों तरफ इसने फील्ड बना दिया है, अब दूसरा चार्ज लेके आओगे इन्फिनिटी से और यहाँ पर रखोगे तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो, वन कूलम को लेके आते हैं तो K Q1 बाई R वर्क करना पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या रखना है, Q2 ना, तो Q2 रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ, तो Q2 इंटू वी करना पड़ेगा। अरे भाई, वन कूलम को लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, तो दो कूलम को लाने के लिए 2 इंटू दिस, तीन कूलम को लाने के लिए 3 इंटू दिस, Q2 कूलम को लाने के लिए Q2 इंटू दिस, है ना। वैसे भी लोग जानते हैं, यहाँ पे देखो ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, वर्क डन, ये पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन होता है ना, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन विल बी व्हाट, Q इंटू वी। ठीक है, तो Q2 इंटू वी हो गया। अब इसको बनाने के लिए टोटल वर्क डन हमने कितना किया, टोटल, तो W1 प्लस W2 किया है, तो 0 प्लस क्या होगा, Q2V, मतलब K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी टोटल लगेगी वो लगेगी K Q1 Q2 बाई कितना R। हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी है वही होगी जो हमने एनर्जी दिया है, तो हमने कितना दिया एनर्जी, इतना दिया, यही तो वर्क डन था ना एक्सटर्नल टोटल। ठीक है, तो मैं बोलूँगा K Q1 Q2 बाई R। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि ताकि आपको फील हो कि कैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, हालांकि हमने तो बता ही दिया था कि दो चार्ज सिस्टम का एनर्जी K Q1 Q2 बाई R होता है। ठीक है ना, अब देखो और एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए Q1 Q2 Q3, ठीक है, और साइड लेंथ AAA है। ठीक है, अब इसका एनर्जी निकालना हम लोगों को।
ठीक है ना। तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग एक चार्ज यहाँ पर लेके आएंगे तो वक्त क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जब यहाँ पे चार्ज लेके आएंगे तो इस पॉइंट पर V बन चुका है और यहाँ पे V क्या है, K Q1 by A है। तो यहाँ पे W2 कितना करना होगा जी, तो K Q1 Q2 by A। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो हमने Q2 रख दिया ना, अब यहाँ पे जब Q3 रखेंगे तो यहाँ पे V बन चुका है, पता है कितना, तो वो यहाँ पे Q1 है। तो यहाँ पे जो V होगा, V ड्यू टू Q1 भी होगा और V ड्यू टू Q2 भी होगा। तो मैं लिखूंगा V जो होगा ना, K Q1 by A भी होगा और K Q2 by A भी होगा। सिंपल स्केलर है ना, तो स्केलर की तरह ऐड करेंगे, चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन कितना, W3 जो होगा वो हो जाएगा Q3 into V हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग सिंपली इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करो, टोटल वर्क डन कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। अब निकाल लो W1 कितना है, जीरो है, प्लस K Q1 Q2 by A आया, प्लस इसको ऐड करो Q3 into V, मतलब इसमें Q3 ऐड करना है। तो इसमें Q3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 by A प्लस K Q2 Q3, है ना, Q2 Q3 by A हो जाएगा। दिस इज व्हाट वर्क डन टोटल। तो वर्क डन हमने जितना किया उतना ही एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, तो मैं बोलूँगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी K Q1 Q2 by A प्लस K Q1 Q3 by A प्लस K Q2 Q3 by A होगा, ठीक है। अब चार भी दिया रहेगा, चार स्क्वायर के वर्टिसेस भी दिया रहेगा, तो भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग कंप्लीट मैकेनिक्स के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं। मैकेनिक्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं जी, हम लोग देखो, हम लोग अब इसको बोलने का क्या क्या तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि देखो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस सिस्टम, तो मैं बोलूँगा यही आंसर है, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा ऐसे सिस्टम बनाने के लिए, है ना, ऐसे सिस्टम बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है, तो यही होगा आंसर, है ना। और क्या हो सकता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम। डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम मतलब क्या हुआ, इसको बिगाड़ना है, ठीक है ना, तो भी कितना एनर्जी, बिगाड़ने का मतलब कि ये चार्जेस कहाँ थे, इन्फिनिटी पे थे ना, इन्फिनिटी पे लेके चले जाना है, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा बिगाड़ने में, तो उतना ही एनर्जी लेगा जितना बनाने में लगा होगा, तो यही होगा आंसर, ठीक है ना। या फिर देखो ये तीनों चार्जेस हैं तो ऐसे रहेंगे क्या, ऐसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप छोड़ोगे तो जाने लगेंगे, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है ना जी, इस पर इधर की तरफ रिपल्सन लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है ना, तो इस पर रिपल्सन लग रहा है, इसको छोड़ोगे तो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा, है ना। तो जब चलना स्टार्ट करेगा तो सोचो ये साइड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, ये बढ़ने लगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, घटने लगा, तो क्या एनर्जी डिक्रीज होने लगी, एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही भाई साहब, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है। जब चलने लगा ना तो इसके पास वी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन द चार्जेस विल रीच एट इन्फिनिटी व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो भाई साहब जब इन्फिनिटी पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो देखो एक ही आंसर है, लेकिन इसके बोलने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें समझना है, बनाने में कितना एनर्जी लगेगा, बिगाड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, वर्क डन कितना होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो सबका आंसर क्या है, यही है। तो कितना भी दिया जा सकता है, तीन दिया जा सकता है, चार चार दिया जा सकता है, क्यूब के वर्टिसेस भी दिया जा सकता है ना, क्यूब के वर्टिसेस पे दिया रहेगा तो भी निकाल सकते हो आप, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जनरलाइज कॉन्सेप्ट अगर वर्क डन या फिर सेल्फ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसकी खुद की एनर्जी है ना, तो इसको हम लोग सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग, जो हमने यू निकाला, ठीक है ना। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो के क्यू वन क्यू टू बाई आर आई जे, ठीक है ना, I नॉट इक्वल टू जे एंड I लेस देन जे, ये कर देना है बस। I लेस देन जे क्यों कर रहा है मैंने, ठीक है ना। देखो कॉम्बिनेशन अगर R I J बना रहे हो ना, तो वन टू, अगर R वन टू लिख रहे हो, वन और टू के बीच में लिख दिया ना, अगर मान लो मैंने इसका लिखा था ना K Q1 Q2 by A प्लस K Q1 Q3 by A,
तो अगर आपने एक बार 1-2 लिख दिया तो 2-1 नहीं लिखना है, 1-3 लिख दिया तो 3-1 नहीं लिखना है, 2-3 लिख दिया तो 3-2 नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आई लेस देन जी, है ना। या फिर इसको और भी अच्छे से लिखना है तो और भी लिख सकते हो, देखो समेशन के क्यू वन क्यू टू बाई आर आई जे, ठीक है, आई नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है ना। तो अब नॉट इक्वल्स टू जे लिखो तो अब हमने लेस देन जे वाला कंडीशन ही लिखा ना, तो 1-2 है तो 2-1 भी लिखोगे, इसका मतलब तुम्हें जितना लिखा है उससे तुमने 2 times ज़्यादा लिख लिया, ठीक है, तो तुम 1/2 कर दो, ये भी हो जाएगा वर्क डन। पूरा कितना भी सिस्टम रहेगा तो कॉम्बिनेशन का आपको लिख देना है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो और आओ कुछ मैकेनिक्स साथ हम लोग जोड़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है और ये फिक्स्ड है, मतलब ये हिल नहीं सकता भाई साहब, फिक्स करके रखा गया, और यहाँ से आर दूरी से कोई क्यू नॉट चार्ज को ऐसे वी से फेंका गया, वी से इसको फेंक दिया गया भाई साहब, ये प्रैक्टिकली इसको निकाला गया था, ठीक है ना। और कहाँ पे प्रैक्टिकली यूज होता है मैं आपको बता दूँ, तो जहाँ पे हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस का रेडियस जो निकालते हैं, ठीक है, तो देखो वैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, और क्यू नॉट चार्ज को ऐसे हमने थ्रो किया वी से, तो क्वेश्चन ये है कि इसका क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, ठीक है ना, मतलब मिनिमम सेपरेशन क्या होगा इसका। तो मिनिमम सेपरेशन आप मान लो आप कि ये तो फिक्स्ड है ही, ठीक है, ये फिक्स्ड है ही, यहाँ से x दूरी पर आया और ये q नॉट यहाँ पे आ गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, फिर हालांकि लौट के चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले कहाँ पे था जी, यहाँ पे r दूरी पे था, ठीक है ना। अब इस दौरान कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा है क्या, है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ से गया, ठीक है, तो इसके दौरान कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगा है, इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो ऐसा करो, दिस इज व्हाट इनिशियल स्टेट और इसको लिख लो फाइनल स्टेट, तो स्टेट वन एंड स्टेट टू पे एनर्जी लिख के उसको क्या कर देंगे हम लोग, कंजर्व कर देंगे, ठीक है ना। चलो कर दो कंजर्व भाई साहब, कर दो अब तो। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है बताओ, इस पोजिशन में एनर्जी कितनी है, तो के क्यू क्यू नॉट बाई वॉट आर, यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी है, हाँ बिल्कुल है, V से फेंका गया इसको, ठीक है ना, इसका मास m ले लो, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इनिशियल टोटल एनर्जी है ना, ये इसको क्या लिखते हैं ना, यू वन प्लस के वन लिखते हैं, इक्वल टू क्या लिखोगे, यू टू प्लस के टू लिखते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के क्यू क्यू नॉट बाई वॉट एक्स लिखूंगा, ठीक है, और काइनेटिक यहाँ पे कुछ बची है नहीं, तो क्या यहाँ से हम लोग को x निकल जाएगा, x क्या कहलाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाएगा या फिर मिनिमम सेपरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ट, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था एनर्जी कंजर्वेशन पे, इसी क्वेश्चन पे बेस्ट एक क्वेश्चन IIT में पूछ दिया, ठीक है ना। और इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको दिखा दूंगा, इस पर क्वेश्चन मैं करा लूँ IIT का, फिर एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, रिलेशन बिटवीन E एंड V पढ़ने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से, तो इसलिए ये लेक्चर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बने रहिए लास्ट तक। चलो लिखो इसको। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उस पर हमने 2-3 क्वेश्चन लिख लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं, और जेई मेन में आया हुआ है, हालांकि 2004-2002 में जेई मेन नहीं था, AEEE था, जिसको हम आज जेई मेन के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने जेई मेन लिखा है, और उस टाइम सिर्फ क्या होता था जी, जेई होता था, लेकिन आज हम लोग जेई एडवांस बोलते हैं, इसलिए मैंने जेई एडवांस लिखा है, ठीक है। तो चलो आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे छोटा है, इसको हम लोग करके इसको मिटा देंगे, जगह बन जाएगा 2 को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले पॉज करके समझो और करो इसको, ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी सॉल्यूशन मैच करा लो। देखिए बोला है कि ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम्ब बाय 2 cm 2 joule ऑफ वर्क इज डन, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी, तो मैंने अभी बताया कि डेल्टा वी इज वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट वॉट चार्ज, ठीक है। तो बोला कि 20 कूलम्ब को मूव कराने के लिए 2 joule का वर्क किया गया, तो 1 कूलम्ब को मूव कराने के लिए कितने जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो 2/20, सिंपल सी बात है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज भाई साहब। अरे 2 cm हो, 4 cm हो, कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है मेरे को, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब तो ये होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का दूरी कुछ भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव कराने के लिए जितना भी वर्क डन होता है डिवाइडेड बाई चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब आप निकाल लो यहाँ पे कितना होगा, ये कितना हो जाएगा जी, तो 0.1 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट चॉइस क्या है, ए है, सिंपल सा बात है, एक लाइन का है भाई साहब। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों पे कॉन्सेप्ट अच्छे से दे रहा था, हालांकि हमने टाइम लिया उस पर, मैंने खटाक से नहीं लिख दिया है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वर्क डन, उस पर बहुत सारे हमने बातें किया, वो सारी बातें अगर आपको याद रहेंगी और रिवाइंड करके सुन लेना अच्छे से और अपने भाषा में लिख भी लेना, ठीक है ना, तब जाके ज़्यादा अच्छे से आपका क्वेश्चन बनेगा। और कॉन्सेप्ट ये भाई साहब, इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, कॉन्सेप्ट ये और सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलो आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 1 को सोचो और करो, मैं तब तक 2 को मिटाता हूँ। पॉज कर लो और 1 को करो। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा और टाइम चाहिए, अरे पॉज कर लो ना, ले लो 10 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन करोगे आंसर आएगा, आपको अच्छा लगेगा, और जिस दिन आपको अच्छा लग गया फिर हमेशा अच्छा लगते रहेगा, है ना। सिर्फ हम लोग को ज़िंदगी में क्या करना है भाई साहब, अच्छा लगना है, अच्छा फील करना है, जब आप अच्छा फील करोगे तो सारा काम क्या होगा, अच्छे से होगा, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहने का, ओके, खुश रहने का, वाह वाह। चार्ज पार्टिकल क्यू वी शॉट टूवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल क्यू विच इज फिक्स्ड विथ अ स्पीड वी, इट अप्रोचेस क्यू अप टू अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर एंड रिटर्न्स, इफ क्यू वेयर गिवेन अ स्पीड ऑफ 2v द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वुड बी, ये अंग्रेजी में इतना सारा बोल दिया भाई साहब, ये तो सिंपल बात है, सिंपल बात ये है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके तरफ एक स्मॉल क्यू चार्ज को शॉर्ट किया गया वी से, मतलब मारा गया, फेंका गया, ठीक है, तो कितना क्लोजेस्ट अप्रोच को लेता है जी, आर तक जाता है, ठीक है ना, आर तक जाता है। तो बोला गया कि अगर हम इसको 2v से देंगे तो कितना तक जाएगा, ठीक है, तो अगर हमने इसको क्यू चार्ज को अगर 2v से दिया तो मान लो आप कि ये जो होगा ना, ये कितने तक आ जाएगी, आर डैश ले लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, देखो देखो ये बोला गया नहीं ना कहाँ से फेंका गया, कहाँ से फेंका गया नहीं बोला गया, तो आप मान लो कहीं से फेंका गया जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, मतलब बहुत फार डिस्टेंस से फेंका गया होगा, इन्फिनाइट मान लो ना, क्या टेंशन, दोनों में इन्फिनाइट मान लेंगे, डिफरेंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इन्फिनाइट डिस्टेंस से फेंक रहे हो तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी होगी कितना, 1/2 mv² उसका मास ले लो वी, जब यहाँ पे r डिस्टेंस क्लोजेस्ट पे आया फिर रिटर्न हो जाता है, मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है जी, 0 हो जाती है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बची, पोटेंशियल एनर्जी बची, और वो कितनी है, kqq/r, ठीक है, ओके। अब इसको करो, तो इसको भी आप ले लो कि इन्फिनिटी से फेंका गया, तो क्या होगा जी, 1/2 mv² = kqq/r। अब इनको सॉल्व कर लो और एड्रेस निकाल लो, चलो मान लो 1 नंबर, मान लो 2 नंबर, ठीक है, और इनको सॉल्व कर लो भाई साहब, तो डिवाइड करोगे अगर, ये डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 mv² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 4, मतलब 1/4 = r/r, तो r डैश कितना होगा जी, r/4 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, ये भी एक लाइन का था, ठीक है, तो देख लो आंसर क्या होगा, करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। अगर आप किसी पॉइंट से भी थ्रो करते ना तो भी आंसर आता, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता, कैलकुलेशन आपको क्या होता है जी, दो अनोन आते, एक यहाँ पे हमने एक क्लिक क्या लेते हैं, एक्स डिस्टेंस से थ्रो किया है, तो यहाँ पे एक्स भी एक अनोन आ जाता, और क्या आता, आर डेस आ जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, जब नहीं दिया है कोई पॉइंट तो मान लो इन्फिनिटी से, ताकि हम लोग का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना, कोई झंझट ही नहीं रहेगा भाई साहब अनोन का, ठीक है, तो हम लोग ये भी क्वेश्चन कर लिए, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये तो आप कर ही लोगे, इस पे तो क्वेश्चन हमने करा ही अभी, ठीक है, इसको पॉज करो और आंसर निकालो, अच्छा लगेगा, ये एडवांस का क्वेश्चन है। चलो अब मैं करता हूँ, आ जाओ, देखो आंसर मैच कराओ,
बढ़िया। सॉल्यूशन नंबर थ्री, बढ़िया जी। टू किया, वन किया, अब थ्री कर रहे हैं। थ्री में क्या बोला? थ्री चार्जेस Q आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज जीरो इफ Q इज इक्वल टू। बोला है कि ये जो है ना इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और वो टोटल एनर्जी जीरो होने के लिए इस Q का वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल जीरो हो सकता है भाई साहब। अब हम तो पता है कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनका तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होना है। और जीरो करने के लिए डेफिनेटली किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में नेगेटिव ऐड करोगे तभी तो भाई साहब जीरो होगा। तो हमें तो पता चल गया कि क्यू तो क्या है? नेगेटिव है। लेकिन दिक्कत ये है कि नेगेटिव में तीन ऑप्शन है भाई साहब। अगर एक ही नेगेटिव रहता, तीन पॉजिटिव होता ना, तो ऑप्शन से ही काम कर लेते, है कि नहीं? क्योंकि इस पर पोटेंशियल जीरो होना है, तो एक तो नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये दे दिया पॉजिटिव तो क्यों क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, हमें ये पता चल गया। चलो ऐसा करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम का निकाल लेते हैं, ठीक है? और पोटेंशियल सिस्टम का निकाल के इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो सिस्टम का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तो कॉम्बिनेशन का इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे। सिंपल। तो लिखिए के क्यू क्यू बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। हमने इसका लिखा, फिर अब हमने ऐसा लिखा, और इसका लिखने के लिए दूरी कितना होगा जी? ए रूट टू होगा, वाह, प्लस के क्यू क्यू बाई ए रूट टू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसने बोला है पोटेंशियल जीरो। अब भाई साहब काम कर दो, अब तो क्यू 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 खत्म, के खत्म, ए खत्म। तो आया क्यू प्लस क्यू बाई रूट टू इक्वल्स टू माइनस क्यू। अच्छा जी, Q को बाहर कर लो तो रूट टू प्लस वन इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू रूट टू। तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू माइनस क्यू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस वन। ऐसा ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो अब ऐसा करो आप कि रेशनलाइज कर दो। मुझे पता चल रहा है कि रूट टू है, आप रेशनलाइज करोगे तो रूट टू बाई रूट टू कर दो। तो ये क्या हो जाएगा जी? अरे अच्छे से लिखना भाई, रूट टू है ना, हाँ। तो क्या होगा? माइनस क्यू इंटू टू डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू रूट टू। क्या हो जाएगी? टू होगा। और रूट टू इंटू प्लस वन क्या हो जाएगा जी? रूट टू हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे को तो दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। तो क्वेश्चन में कुछ था क्या? कुछ नहीं था भाई। क्या था क्वेश्चन में? बस कैलकुलेशन था। आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मैंने आपको ट्राइंगल में टोटल एनर्जी निकालने सिखाया आपको, ठीक है? आपको उस तरह से करने, चलो इसको लिखो और फिर नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन में ई और वी को डिफाइन करते हैं और डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है? V इंटू क्यू पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं? हमने किया ना जी, पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू वी एंड फोर्स इज क्यू वी, है कि नहीं? ये भी तो एक बात है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्वांटिटी जिसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते तो फोर्स निकलता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी जिसको चार्ज राइड करते तो पोटेंशियल एनर्जी निकलता है। अरे भाई, है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटीज को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते तो पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, और फील्ड इंटेंसिटी वो क्वांटिटीज को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता है, एफ ई निकलता है। ओके, अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पहले ही वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है कि डी यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी एस। ये तो हर जगह अप्लाइड है कि नहीं? बिल्कुल अप्लाइड है। अब देखो डी यू को हम क्या लिख दें? क्या मैं क्यू इंटू डी वी लिख दूं? अरे जैसे कि हमने लिखा था ना डेल्टा यू इज क्यू इंटू डेल्टा वी लिखा था ना, तो डी यू लिखा, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। माइनस एफ को क्या लिखूं? एफ को क्यू वी लिख दूं, क्यू वी फोर्स तो क्यू वी होता है, डॉट डी एस। सिंपल तरीका, इंटीग्रेट करा दोनों तरफ, ठीक है? तो क्यू ने क्यू को मार डाला तो डी वी आया इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एस। वाह, अब देखो
जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रेफरेंस लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग रेफरेंस टू प्रेजेंट, है ना, रेफरेंस से प्रेजेंट लोगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, रेफरेंस में पोटेंशियल जीरो होता है और प्रेजेंट पोजीशन पे अगर वी है तो क्या मिलेगा, वी मिलेगा। बहुत अच्छे। और अगर डी वी इंटीग्रेशन इक्वल्स टू नेगेटिव ई डॉट डी एस, ओके, लेते हो अगर, और यहाँ पे लेते हो क्या पोजीशन वन टू पोजीशन टू, वन से पोजीशन वन है ना, तो अगर पोजीशन वन यहाँ पे क्या मिलेगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। हाँ सही सोचा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पोजीशन वन पे पोटेंशियल है वी वन, पोटेंशियल टू पे, पोजीशन टू पे पोटेंशियल है वी टू, तो ये क्या मिलेगा जी, वी टू माइनस वी वन, है ना। हम कहते हैं कि वी टू माइनस वी वन इज माइनस ऑफ ई डॉट डी एस, पोजिशन वन टू पोजिशन टू। अरे भाई आर वन टू आर टू कह दो ना, क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे एक बात कह दूँ क्या, कह दो ना, कह दो ना, कह दो भाई। हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पोजीशन, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पोजीशन। और यहाँ पे सुंदर सा हाथ बना देते हैं, अरे वाह, नहीं रे सुंदर सा नहीं बना, बन गया ना, हाँ, और एक बना दो, हाँ, दूसरा क्या लिखना है जी हम लोगों को, हमने बोला पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पोजीशन, और क्या बोलेंगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पोजीशन, ओके, इट डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन वन एंड पोजीशन टू। मेरी बात समझ आई क्या, आप रेफरेंस कहीं भी लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन रेफरेंस चेंज करोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है तो हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जैसा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वैसे हम लोग काम कर लेंगे। हम कहते हैं कि नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एस गिव्स यू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके ओके। चलो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, हमने ये भी पढ़ा है उसी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि एफ एस जो होता है माइनस डी यू बाई डी एस होता है। एफ एस क्या देता है जी, तो एफ एस देता है एस कंपोनेंट। बोलोगे एस कंपोनेंट तो मैंने सुना ही नहीं, हमने तो एफ एक्स सुना है, एफ वाई सुना है, एफ जेड सुना है, इसलिए मैंने एस लिखा है, ठीक है ना। मीन्स इफ यू आर कैलकुलेटिंग वॉट एफ एक्स, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई तुम्हें निकालना पड़ेगा माइनस डी यू बाई डी वाई, एफ जेड माइनस डी यू बाई डी जेड, है ना। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप इसको लिखो जल्दी से, पॉज करो लिखो, ओके। देखिए तो हम लोग कह सकते हैं, मैंने एफ एस लिखा पता है क्यों ना, हमने जनरल एक लिखा, हम लोग बोलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, थोड़ा लैंग्वेज भी लिख दो, हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ग्रेडियंट मतलब समझ में आ रहा है ना,
ग्रेडियंट मतलब स्लोप, डी यू बाई डी एस, लेकिन ओनली डी यू बाई डी एस नहीं, नेगेटिव डी यू बाई डी एस क्या देता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स देता है, फोर्स नहीं देता है, क्या देता है जी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स देता है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में और माइनस ले लो तो क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, माइनस ले लो एफ वाई मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो माइनस ले लो और किसके रेस्पेक्ट करना है, z के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, एफ जेड मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब तुम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में तो y और z को कॉन्स्टेंट लेना है, है ना, एफ वाई, है ना। तो माइनस डी यू बाई डी वाई कीपिंग z एंड x कॉन्स्टेंट, सिमिलरली माइनस डी यू बाई डी dz keeping x y constant, then you can write finally, then तुम f लिख सकते हो, f will be f x i plus f y j plus f z k। मैंने electrostatics का यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया, मैंने concept बताया work power energy का। okay, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए जैसा कि हमने लिखा f s is minus du by ds, मतलब मुझे फोर्स लिखना कौन सा कंपोनेंट का, एस कंपोनेंट का, एस मतलब समझ रहे हो, ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना है तो मैं लिखूंगा क्यू इंटू ई एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एस कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। अगर मुझे एफ एक्स लिखना है तो क्या लिखोगे, क्यू इंटू ई एक्स लिखोगे, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी, और यू को क्या लिखोगे जी, क्यू इंटू वी लिखोगे, डिवाइडेड बाई डी एस। ओके, अब क्यू तो कॉन्स्टेंट है तो Q into ES equals to, अब तो आपको चमक गया भाई साहब, क्या मैं लिखूंगा, Q ने Q को मार डाला, मार डाला, ओ, ओ। देखा, सेम टू सेम नहीं है क्या, सेम टू सेम है। अगर आपको 11th का ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं पूरा का पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज दूं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, दिस इज व्हाट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, दिस इज व्हाट पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स व्हाट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ सुंदर अक्षरों में, अब पता नहीं कैसा अक्षर है लेकिन ये हाथ तो सुंदर है। ओके, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, बढ़िया लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी गिव्स कंपोनेंट, है ना, गिव्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरी बात क्लियर है, जैसा कि हमने बोला कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वैसे ही बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वैसे ही जैसे कि अगर आपको ई एक्स निकालना है, ई एक्स निकालना है तो पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर माइनस ले लोगे। अगर आपको ई वाई निकालना है तो माइनस डी वाई डी वाई ले लोगे, और आपको EZ निकालना है तो माइनस dV बाई dZ ले लोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, X कंपोनेंट, ठीक है, डिफरेंशिएट V विथ रिस्पेक्ट टू X कीपिंग YZ कांस्टेंट, है ना, EY निकालने के लिए डिफरेंशिएट V विथ रिस्पेक्ट टू Y कीपिंग ZX कांस्टेंट, वैसे इसमें एक्स वाई को कॉन्स्टेंट लेकर डिफरेंशिएट करना। ओके, समझ में आया। तो अगर तुम्हें वी दिया रहेगा तो ई निकाल सकते हो ना, ओके ना, अगर आपको वी दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, तो आप ई तो निकाल सकते हो, ई एक्स ई वाई ई जेड निकाल लेना। और क्योंकि ई जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आपको ई कैसे लिखना है, अगर आपके पास ई एक्स आ गया तो लिख दोगे ई एक्स आई ई वाई जे प्लस ई जेड के लिख दोगे, सिंपल हो गया भाई साहब, अभी नहीं हुआ, चलो एक और कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख दोगे, तो ई एक्स क्या वैल्यू लिख दो, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दो डायरेक्ट, माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप। ओके, जेड नहीं पता चल रहेगा, दिस इज वॉट जेड। ओके,
तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे जब हमें क्या दिया रहेगा, वी दिया रहेगा। मेरी बात क्लियर है? मैंने आपको क्या क्या बताया जी, अब मैं इसको हटा सकता हूँ और मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकता हूँ। मैंने बोला कि अगर आपको ई दिया हुआ है तो ई का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या देगा, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, डेल्टा वी दे देगा। वो तो रेफरेंस क्या लेते हो उस पर पता चल जाएगा हम लोगों को। मतलब इंटीग्रेशन गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू एस नेगेटिव के साथ गिव्स यू व्हाट, ई एस। सिंपल, अरे भाई ई का इंटीग्रेशन वी देता है तो वी का डिफरेंशिएशन क्या देगा, ई देगा, सिंपल सी बात है। तो देखो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब हम लोग इस पर कितने कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, वो सारे हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है, या तो तुम्हें ई दिया रहेगा वी पूछेगा निकालने को, या तो वी दिया रहेगा ई पूछेगा निकालने को। तो इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, जब भी प्रोडक्ट आता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ क्या कि अगर ये एक्स है और ये ई है तो क्या ई और एक्स का प्रोडक्ट क्या देगा, डेल्टा वी दे देगा। ई और एक्स का प्रोडक्ट क्या देता है जी, डेल्टा वी दे देगा। और ई एक्स का प्रोडक्ट डेल्टा वी देता है, मतलब इसका क्या देगा, एरिया देगा, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि एरिया अंडर ई वर्सेस एक्स, है ना, गिव्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस पर मैं क्वेश्चन लूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। जो भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कंप्लीट देता हूँ भाई साहब, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं क्या, देता ही हूँ, सारा देता हूँ, है। चलो लिखो इसको। तो हमने फिर से तीन चार क्वेश्चन लिखे हैं और इसमें से दो क्वेश्चन जो है जेई एडवांस और एक मेन के क्वेश्चन है 2007, जैसा कि उस टाइम ये ट्रिपल ई था, ठीक है, और ये उस टाइम जेई था भाई साहब, खतरनाक, है ना, ओके, 1992 का है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि वी दिया हुआ है, क्या निकालना है अपन को, ई निकालना है, ठीक है, वी दिया हुआ है ई निकालना है, इसमें वी दिया हुआ ई निकालना है, निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे इसको चिपकाते हैं अच्छे से, ओके। तो वी दिया हुआ है ना, तो वी इक्वल्स टू के एक्स वाई है, तो मैं क्या करूँगा, ई एक्स निकालूंगा। तो ई एक्स निकालूंगा तो कैसे निकलेगा जी, ई एक्स के लिए सिंबल क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो ई एक्स कैसे निकल जाएगा, ई एक्स होगा कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसको, कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो के और वाई कॉन्स्टेंट हो गया और एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस लगाना है। सिमिलरली ई वाई अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा और वाई को मानना है कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। वाई और के तो कॉन्स्टेंट है ही, वाई और के कॉन्स्टेंट होगा अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 होता और ये 4 होता है, तो 2 × 4 क्या होता है, 8x होता है, तो 8x का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 8 होता है, मतलब 2 × 4 होता है, तो देखो 2 × 4 है, माइनस तो हम लोग का कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास ई आ गया, ई एक्स भी आ गया, ई वाई भी आ गया, और ई जेड तो आएगा ही, वो ई जेड कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं, तो सारा का सारा टर्म क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिख देंगे जी, अब हम लोग माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 1, ठीक है, लिख लो इसको और फिर इसको करो। अब तो ये भी है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो फिर इसको भी यहीं पे टिकाते हैं, मिटा दो इसको, ठीक है। देखो इतना क्वेश्चन मैं एक साथ लिख लेता हूँ ना, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है ना, ओके। तो v इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² ex निकालिए। अब ex क्या होगा जी, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में माइनस पहले लगा दो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, 2x आएगा, और इसमें तो कहीं x है ही नहीं, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, तो 0 हो जाएगा, ओके, ex आ गया। ey निकालिए, माइनस लगा दो, तो ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें y नहीं है, ये पूरा पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख देंगे हम लोग जी, माइनस 2x आई कैप माइनस 6y जे कैप, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, 2 नंबर को करो, तो पॉज करके 2 नंबर को पॉज करके करो, जेई मेन का है, बस ये वी दिया हुआ है, क्या पूछा है जी,
इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट x इक्वल टू 4 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और जो x का फंक्शन आएगा ना उस x में क्या कर दोगे, 4 पुट कर देना, ठीक है, फिर आ जाएगा आंसर। करो तो इसको मैं यहीं पे चिपकाऊंगा। देखो v दिया हुआ कितना, 20 by x square minus 4, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ex will be माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स, इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो 20 तो कॉन्स्टेंट है तो 20 को बाहर कर लो, ठीक है, तो 1 by x वाला हो गया ना फॉर्म, तो 1 by x वाला फॉर्म हुआ, तो नीचे में क्या लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 1 by x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस 1 by x स्क्वायर किया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और माइनस माइनस 1 by x होता है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ex, अरे डिफ्रेंशिएशन तो तुम्हें आता है ना, 12th में हो चाहे 13 में, 11 वाले तो नहीं देख रहे हो ना, हाँ, तो ये क्या हो गया, प्लस कितना हो गया, 40x by x square minus 4 का स्क्वायर, ठीक है, अब ऐसा करो, x को क्या रखोगे, 4 पुट करो, ठीक है, तो x को 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 16 minus 4 कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितना हो गया जी, 12 into 12 हो गया, ठीक है, तो अब देखो तो क्या आएगा आंसर, और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, 3 10, तो क्या हो जाएगा, 10 by 9 हो जाएगा, 10 by 9 प्लस में आया ना, देखो ex कितना आया, ex कितना आया, ex 10 by 9 प्लस में आया है, ex 10 by 9 प्लस में आया है, अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो ई वेक्टर को क्या लिखोगे, 10 by 9 आई कैप लिखोगे, अरे जैसे हम लोग अभी कर रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर आप लिखना चाहते हो तो बोलोगे आप 10 by 9 आई कैप है, अब देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 by 9 होगा, और डायरेक्शन किधर तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, अगर ये माइनस होता तो माइनस आई कैप लिखते तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, भाई साहब तो क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, मैंने बोला था ना कि ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, नीट का निकालो, जे एडवांस का निकालो, मेंस का निकालो, कुछ भी निकाल लो यार, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने आसान आसान क्वेश्चन चूज किया, यही आते हैं भाई साहब, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, अब इसको करना आप लोगों, ठीक है ना, करो इसको पॉज करके, थ्री नंबर को पॉज करके करो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो अब देखो मैं करता हूँ, सॉल्यूशन नंबर 3, बहुत अच्छे, बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, द पोटेंशियल एट पॉइंट्स 22 minus 22 24, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, 4 volt 16 volt 12 volt दिया हुआ रेस्पेक्टिव द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, चलो पहले ऐसा करें सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं इसका, एक कोऑर्डिनेट है कहाँ पे, 2, 2 पे, मतलब यहाँ पे है, इसको ले लो आप 2, 2, ओके, सो दिस इज वॉट ए पॉइंट, पॉइंट ए, ओके, बी कहाँ पे है जी, -2, 2 पे है, मतलब इधर की तरफ है, ये बी है और ये क्या है, -2, 2, ओके, और सी कहाँ है, 2, 4 पे है, सी कहाँ है जी, 2, 4 पे है, मतलब यहाँ पे कहीं पे, इसको बोलेंगे सी, और ये है 2, 4 पे है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बोला है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब ये है VA, और VA कितना है, 4 वोल्ट है, VV कितना है जी, तो 16 वोल्ट है, और VC कितना है, 12 वोल्ट है, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे दिख रहा है कि आई कैप जे कैप में दिया, और डेफिनेटली हमें EX भी निकालना होगा और EY भी निकालना होगा, ठीक है, तो चलो EX कैसे निकालोगे, तो EX को हम कैसे लिख सकते हैं, EX इज माइनस DV बाई DX, मेरी बात समझ में आई क्या, अरे DV बाई DX भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा V बाई डेल्टा X भी लिख सकते हैं, है ना, ये तो डिफरेंस लिखना है ना अपन को, तो डिफरेंस लिखना है, कोऑर्डिनेट अलग अलग लिखा हुआ है, तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, अब ई एक्स चाहिए तो हम तो क्या करेंगे, एक्स का देखेंगे, तो देखो हम लोग ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो किसको फाइनल ले, बी को ले कि ए को ले, किसी को ले लो ना,
कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो भी आंसर वही आएगा, और इसको फाइनल है तो इसमें से इसको माइनस करते हो तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो ऐसे करते हैं, माइनस इसको इनिशियल लेते, इसको फाइनल लेते, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊपर में लिखना पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 16 माइनस 4 लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 16 माइनस 4, मैंने लिखा 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जी, माइनस 2 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जी, प्लस 2 है। तो लिखूंगा माइनस 2 माइनस 2, तो ये आ गया माइनस कितना, 12 बाई माइनस 4, मतलब कितना हुआ जी, 3 हुआ। ओके, चलो ई वाई करते हैं। तो ई वाई होगा माइनस डेल्टा वी वाई डेल्टा वाई। ठीक है, चलो ई वाई के लिए इसको ले लो फाइनल और इसको ले लो इनिशियल, कुछ भी ले सकते हो, इसको भी इनिशियल ले लो, इसको फाइनल ले लो, जहाँ लेना आप चेक कर लेना भाई, से उल्टा करके देख लेना, आंसर वही आएगा। मैं देखो मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो तुम, टेंशन नहीं लेने का, करके दिखा दूंगा। माइनस फाइनल ऊपर वालों को ले रहा हूँ मैं, तो 12 माइनस 4 ओके बाय, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना है मुझे। तो वाई कोऑर्डिनेट उसका है कितना, 4 है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 2, तो मैंने लिखूंगा माइनस 8 हो गया बाई 2 हो गया। तो ये क्या आ गया जी, माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अब लिख सकता हूँ कितना, 3i माइनस 4j। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लो क्या है, 3i माइनस 4j। ठीक है, तो हम लोग का आंसर नंबर डी हो जाएगा। ओके, तुम बोलोगे कि सर आप इसको फाइनल लो और इसको इनिशियल लो, चलो कर लो, कोई टेंशन नहीं है आत्मा को शांति के लिए। चलो ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस बार हम इसको इनिशियल ले रहे हैं, इसको फाइनल ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखो क्या, माइनस फाइनल तो क्या है, 4 वोल्ट, इनिशियल 16, तो 4 माइनस 16 ओके डिवाइडेड बाई फाइनल एक्स 2, ये कहलाएगा, ये एक्स 1 कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 2 है। तो मैं लिखूंगा 2 माइनस ऑफ माइनस 2, तो देखो कितना आया, ये क्या है, माइनस 12 आएगा ना, तो प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा। देखो तो फिर से 3 आया ना, फिर इसको भी करोगे तो उतना ही आएगा। अरे सिंपल सी बात है ना यार, तुम इसको तुम डिफरेंस उल्टा कर रहे हो, तो इसको भी तो उल्टा करोगे तो फिर से तो माइनस आएगा, तो कैंसिल होगा, आंसर तो वही आना है ना। ठीक है ना, आप चेक कर लेना। ओके, चलो अभी आईडी वाला क्वेश्चन आप लगाओ। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 4x² दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, डिफरेंशिएट करो और ये कोऑर्डिनेट रख देना इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, चलो जैसा कि हमने किया था ना AEEE वाला, लिख लो इसको। चलो मैं बताता हूँ अब इसका, 4 नंबर का सॉल्यूशन नंबर 4। बाबा वी दिया है 4x², पूछा है क्या, ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर्स आर, ये क्या थी, इन एनी स्पेस गिवन बाय दिस वोल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102 इज, सिंपल ई एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्या होगा, माइनस ले लो 4 2x, means ex is minus 8x. We have to calculate potential, electric field intensity at 102. ठीक है ना, मतलब x की जगह 1 रखना, y की जगह 0 रखना, z की जगह 2 रखना। बात यह है कि यहाँ पे x ही है, तो माइनस 8 इंटू 1 रखेंगे, क्या आएगा, माइनस 8। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। आई बात समझे ना, हाँ, तो ये आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन क्या आसान है, मैं इतना सारे क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूँ कि देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस ई डॉट डी एस इज वॉट डेल्टा वी एंड ई एस इज माइनस डी वाई डी एस, कॉन्सेप्ट तो यही है भाई साहब, लेकिन क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके का, अलग अलग लॉजिक लगेगा, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा तो अलग अलग लॉजिक लगेगा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन ले लूँ, ताकि मैं सारा का सारा लॉजिक दिखा दूँ कि इतने ही टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और इससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस किए रहोगे तो आप कुछ भी क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि भाई साहब दिमाग तो काम करता ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए अच्छा है कि हम लोग पहले से हर टाइप क्वेश्चन कर लें तो आप खड़ाखट एकदम खड़का दें, है ना। चलो ठीक है, लिखो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो फिर से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो पहले इसके पहले क्वेश्चन क्या लिया था हमने कि V दिया हुआ था, E निकाला था। इसमें हमने क्या दिया है, शुरू में E दिया हुआ है, V निकालना, इसको सीखेंगे। उसके बाद हमने कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग टाइप के, तो चलो सबसे पहले उसको करते हैं। उसमें क्या दिया है, E दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस आई कैप प्लस सॉरी
एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। बोला कि वी 1,0 पे 10 वोल्ट है, तो वी पूछा है 2,2 पे क्या होगा, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोग वी का रिलेशन लगा देंगे, डी वी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, माइनस ई डॉट डी एस लिखते हैं, सिंपल। ओके इंटीग्रेशन, ओके। अब तुम लिखो ई को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी एस को क्या लिखेंगे हम लोग, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए कि हम लोग डी एस को कैसे लिखते हैं जी, किसी भी क्वेश्चन में डी एस को, तो डी एस को लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखते हैं, ठीक है ना। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखते हैं, ओके। तो अब क्या करो आप, डॉट प्रोडक्ट कराओ पहले, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, दोनों में क्या करूँगा मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, ठीक है। इधर माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें क्या कराएंगे हम लोग, एक्स को वैरी कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डी वी है, इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, देखो तो इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कराना है, तो क्या है लोअर लिमिट में रखेंगे इसको, वन, तो ये है वन और कहाँ पे टू तक जाएगा, तो वन टू टू। और वाई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, जीरो टू टू तक, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे जीरो और यहाँ पे लिखूँगा टू। अब देखो जब 1,0 है, 1,0 है तो वी का भी तो लिमिट रखना पड़ेगा ना, वी कितना है 10 है, और 2,2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, वी निकालना अपन को, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी माइनस 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी माइनस 10 लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री वन टू टू प्लस वाई क्यूब बाई थ्री टू टू जीरो जीरो टू टू, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, तो v माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 बाई थ्री माइनस 1 बाई थ्री, ओके 7 बाई थ्री हो गया, प्लस यहाँ पे कितना होगा 8 बाई थ्री हो जाएगा, सिर्फ 8 बाई थ्री, ये तो माइनस में है, तो कितना हो गया 15 हो गया, माइनस 15 बाई थ्री हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा जी, माइनस 5 हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 10 इक्वल्स टू हाउ मच, 5 वोल्ट, ठीक है ना। वैसे आप सेकंड नंबर को करो, सेकंड नंबर में क्या करना है, बस आपको क्या रखना है, जीरो 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 रखना है ना, तो जीरो जीरो पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। चलो आप इसको कर लो पहले, फिर सेकंड नंबर करो, फिर मैंने सॉल्यूशन मैच कराओ, ठीक है, मिटा दूँ। ओके देखो अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डॉट प्रोडक्ट कराने अपन को, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई इंटीग्रेशन, माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो लिमिट लिखो डी वी, तो डी वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी हम लोग बताओ, जीरो एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, जीरो टू वन तक, तो मैं लिखूंगा जीरो टू वन तक, और वाई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, जीरो टू टू तक, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जीरो टू टू तक, ठीक है। जब जीरो जीरो है तो वी कितना है बताओ, जीरो जीरो है तो वी कितना है, जीरो है, जीरो लिख दिया। जब वन टू है तो वी कितना है, वी कितना है, तो वी निकालना अपन को, ठीक है। तो आप लिख दो वी इक्वल्स टू कितना, तो यहाँ पे हो गया माइनस, और ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो वन प्लस वाई क्यूब बाई थ्री जीरो टू, ठीक है। तो ये कितना आएगा जी, माइनस वन बाई थ्री प्लस एट बाई थ्री, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस नाइन बाई थ्री आ जाएगा, मतलब ये क्या आ गया, माइनस थ्री आ गया, तो V का जो वैल्यू होगा माइनस थ्री वोल्ट होगा। मतलब जीरो जीरो पे V जीरो है, तो 1,2 पे पोटेंशियल ये देगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया, जीरो जीरो पे जीरो लिया, इसका मतलब जीरो जीरो हमारे लिए क्या था, रेफरेंस था, इसमें हमने इंटीग्रेट किया है रेफरेंस टू प्रेजेंट, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 1,2 पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, माइनस थ्री वोल्ट है। अगेज अगेज चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री करते, ग्राफ वाला, ठीक है।
ठीक है, इसको लिखो। ऐसा है कि ये 4.0 पे निकाल रहा, थोड़ा सा इसको अब मिटा लो और यहाँ पे 4 लिखना, 4.0 हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो देखो E इंटू एक्स, हमने रिलेशन क्या देखा कि डेल्टा V इज माइनस इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब देखो हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन E डॉट ds क्या होता है, एरिया होता है, चाहे E डॉट ds क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एक्स का ही तो कर्व है ना, ई एक्स ग्राफ ही तो है, इसका मतलब इसका एरिया क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी विल बी नेगेटिव ऑफ व्हाट, एरिया। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ एरिया। हम ये भी तो कह सकते हैं वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज व्हाट, प्लस एरिया, है ना, माइनस कॉमन लिया, ओके, चाहे माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो V इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या है जी, 0.0 इज इनिशियल, तो मैं लिख दूंगा इनिशियल का वैल्यू 10 माइनस V फाइनल, तो निकालना है तो लिख दिया। अब एरिया लिखो, एरिया क्या होगा, देखो इसको ऐसे करते ट्रेपेजियम से भी एरिया निकाल सकते हैं, या फिर ये क्या है स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल है, तो ये क्या होगा 2 × 20 मतलब कितना 40 प्लस ये ट्राइंगल है हाफ VH, हाफ और बेस कितना है जी, बेस कितना है 2 है, तो 2 × हाइट कितना 20, इसका हाइट तो 20 है, तो 2 × 2 को मार डाला कितना आया 60 आया, 10 माइनस वी आया, तो वी कितना होगा 10 माइनस 60 मतलब कितना माइनस 50 वोल्ट। माइनस से डर लगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगेस चलो आप इसको भी लिखो, मतलब ग्राफ है तो E इंटू एक्स, मैंने ग्राफ का भी क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ है ग्राफ के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं, सारा मैं कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, एक भी नहीं छूटेंगे। अगेस चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको मिटा लीजिए नहीं, इसको लिख लीजिए। चलो तो इसमें क्या है ना, साइड लेंथ छोड़ दिया था मैंने, इसको माफ़ करना मेरे को, कर सकते हो ना, कर दो यार, क्या करना है, एहसान कर दो मेरे पे। डी है, साइड लेंथ डी दिया हुआ, ठीक है। तो करना है क्या है हम लोगों को, डेल्टा देखो वी ए माइनस वी वी निकालना, ओके। हम लोग जानते हैं कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एस, ओके। या फिर हम कह सकते हैं ई डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं, ई डॉट आर लिख सकते हैं। क्यों मैंने डॉट आर लिखा, डी एस क्यों नहीं लिखा है जी भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है, ई नॉट है। अगर वेरिएबल होता तो मैं क्या लिखता, डॉट डी एस लिखता, ठीक है ना। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ई डॉट आर लिख सकता हूँ, मैं माइनस को हटा दिया, ठीक है। अब देखो इसको मैंने लिखा ई नॉट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख दूँ, डी लिख दूँ, और वी इनिशियल क्या है जी, ये वाला पॉइंट है वी ए माइनस वॉट वी वी, तो वी ए माइनस वी क्या आ गया, ई नॉट इंटू डी आ गया, सिंपल, ठीक है। तुमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल होता है। इस ऐसा किया तो डर लगा क्या, तो ऐसा भी करो तो क्या टेंशन है भाई, वी वी माइनस वी ए लिखते तो माइनस होता, तो फिर से क्या आता, वी ए माइनस वी वी हो जाता, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना है, इनिशियल टू फाइनल, ओके। तो हमें तो क्या करना है, ई डॉट आर लिखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देख लो अच्छे से देख लो, तो ई इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डी, एंड कॉस क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, क्योंकि डी और ई के बीच का एंगल क्या है, जीरो है, डी इधर है और ई वी इधर ही, तो कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, ओके। चलो वी ए माइनस वी सी देखते हैं, ओके। तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज ई नॉट इंटू डी, ए और सी के बीच का दूरी कितना है, डी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं ना लोग, तो ई का मैग्नीट्यूड लिख लिया, ई नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट डी लिखा। अब कॉस क्या लिखेंगे, कॉस एंगल लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो ये क्या होगा, 90 हुआ ना, ठीक है, तो 90 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं वी ए माइनस वी सी इज वॉट, जीरो, ओके। वी ए माइनस वी सी क्या हुआ, जीरो हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन निकालूंगा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। देखो वी ए माइनस वी वी क्या हुआ, ई नॉट इंटू डी हुआ, मतलब ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि वी ए बड़ा है वी वी से। हम कह सकते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वॉट, वी वी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि पोटेंशियल किधर की तरफ बड़ा होता है जी, इधर की तरफ, और इधर की तरफ छोटा होता है। मतलब कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि
मतलब कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है तो इस पॉइंट, ये पॉइंट वन है और ये वाला पॉइंट टू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सॉरी पोटेंशियल एट पॉइंट वन और पोटेंशियल एट पॉइंट टू को अगर आप रिलेट करते हो तो पोटेंशियल एट पॉइंट वन क्या होगा, ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट टू होगा, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कोई चार्ज भी छोड़ोगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी मास को छोड़ दो, चाहे किसी चार्ज को, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो उधर जाता है जिधर तरफ उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी गेन करता हो। और स्टेबिलिटी गेन तो उधर की तरफ करते हैं ना, जिधर तरफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे इधर तरफ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज मूव करता है किधर की तरफ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज का बात करें, ओके, देखो यहाँ पे V1 है, अगर V1 को मैं ले लिया 10 वोल्ट और इस, तो इस, ये कितना होगा, कम होगा, मान लो 2 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे इसका एनर्जी कितना होगा, 10 क्यू हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, 2 क्यू होगा, ठीक है। मैंने बोला कि V1 इज 10 वोल्ट एंड V2 इज व्हाट, 2 वोल्ट, ओके। तो U1 जो होगा ना 10 क्यू होगा और U2 जो होगा ना 2 क्यू होगा, ठीक है। तो देख लो पॉजिटिव चार्ज का 1 पे एनर्जी क्या था, पोजिशन 1 पे 10 क्यू था, और 2 पे क्या होगा, 2 क्यू होगा, इसलिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गया, ठीक है ना। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव चार्ज। इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, यहाँ पे मान लो माइनस 2 कूलम है और मैंने बोला है कि V1 इज 10 वोल्ट, ठीक है, और V2 क्या है, 2 वोल्ट है, ओके। तो U1 क्या होगा, माइनस 2 इंटू 10 हो गया ना, मतलब कितना, माइनस 20 जूल होगा, और U2 क्या होगा जी, माइनस 4 जूल होगा। अब बताओ कौन सा एनर्जी ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है कि नहीं। अरे तो स्केलर है ना, तो माइनस को तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सोचो आप, अगर आप यहाँ से छोड़ो, यहाँ से अगर आप नेगेटिव चार्ज रिलीज करते हो, यहाँ से नेगेटिव चार्ज अगर रिलीज करोगे तो बताओ 2 पे जाएगा कि 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा कि 1 पे जाएगा, तो वो जो होगा उधर जाएगा जिधर की तरफ उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज मूव्स लो पोटेंशियल, है ना, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आई क्या, क्या ऐसा कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज मूव करता है, नहीं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज मूव्स हाई टू लो एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स लो टू हाई ऑलवेज, और ऐसा होने से क्या होता है, चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ओके। तो कहानी तो अभी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, चलो करते हैं। आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, मैंने लॉजिक बता दिया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, वी ए माइनस वी बी पूछना है ना, वी ए माइनस वी बी आप लोगों को बताना है, मतलब ये वाला क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग ई वेक्टर भी लिख लेते हैं और क्या लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख लेते हैं, और उसके बाद ई डॉट डी एस कर देना, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म ही है हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ई नोट ले लो, ठीक है ना, और डायरेक्शन क्या है, 45 है, तो हर जगह 45 डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड ई नॉट है, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हमने पहले ही बताया था कि अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहे तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिखते क्या, ई नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस ई नॉट बाई रूट टू जे कैप, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 45 पे ई नॉट है तो इधर की तरफ लोगे तो ई नॉट कॉस 45, इधर लोगे तो ई नॉट साइन 45, तो ई नॉट कॉस 45 क्या होगा, ई नॉट बाई रूट टू हुआ, ई नॉट बाई रूट टू हुआ आई के साथ जे के साथ, ओके। लेट्स राइट द डायरेक्शन, राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, तो ऐसे कर दो, 5 माइनस 2 कितना होगा, 3i प्लस 5 माइनस 1 4j, ठीक है। अब लिख दो आप वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, अगेन इनिशियल टू फाइनल लिख रहे हैं, तो इनिशियल टू फाइनल लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखना होता है, ई डॉट
ds लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे जी, e नॉट बाई रूट टू आई प्लस e नॉट बाई रूट टू जे डॉट 3i प्लस 4j। ओके, तो कितना आ जाएगा, e नॉट बाई रूट टू इंटू 3 प्लस e नॉट बाई रूट टू इंटू 4, तो क्या हो गया 7 e नॉट बाई रूट टू। दिस इज व्हाट va माइनस vv। मेरी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब ये मैग्नीट्यूड हो गया और क्या, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, तो देखो मैंने अब इस ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जेई में, आप क्वेश्चन पलट के देख लेना, ठीक है ना। बहुत सारा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे कुछ दे दिया, पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया, और पूछा है किधर की तरफ बड़ा है, रिलेशन बताओ वी और वी वी में, तो बता सकते हैं। ऐसा ही आया है, आप देख लेना, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग हर टाइप का क्वेश्चंस किए है ना, हर टाइप के क्वेश्चन के, ग्राफिकल भी देखे, वी कैलकुलेशन देखे, ई कैलकुलेशन देखे, है ना। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखा। चलो ठीक है, इसको लिख लो बढ़िया से। तो इस लेक्चर नंबर 12 को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया इस पे, इसका रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी थे, आपको आपको भी दिखा कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जेई का ही लिया था, और बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें बहुत कुछ सारी चीज़ों को डील करने पड़ रहे हैं, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे अच्छे से डील कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा देखो आप ईमानदारी सोचो तो हमने क्या पढ़ा, ई और वी का रिलेशन पढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड किया भाई साहब, यही तो पढ़ा ना, तीन फॉर्मूले भाई साहब पढ़े, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़े, और क्या पढ़े, वी इक्वल्स टू क्या पढ़े जी, माइनस ई डॉट डी एस पढ़े, और क्या पढ़े, तो ई एस इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस पढ़े, तीन चीज पढ़े और कुछ नहीं पढ़े। लेकिन इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ग्राफिकल क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, है ना, वर्क एंड कैलकुलेशन क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो हम सारे क्वेश्चंस को किए, और जो बाकी क्वेश्चन है आप लगा लो आज के आज, लगा लो आज सारा जितना आपने नोट्स बनाया आज, इसका जो भी लिखा आपने, जितना भी वीडियो लेक्चर से आपने देखा सब कुछ, अब नोट्स बना के अच्छे से उसको रिविजन करो, और खूब अच्छे तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स है सारे के सारे आप फिनिश कर डालो भाई साहब, कड़का दो अभी के अभी, ठीक है। और इस लेक्चर से कोई भी डाउट है तो हमारा जो पेज है कौन सा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को, इसको फॉलो करिए, और इसका अपना डाउट पोस्ट करिए, और फिर डाउट का सोल्यूशन पाइए, और खूब मस्त हो जाइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।